सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में रविवार को नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही पार्षद जियाउल इस्लाम और अन्य पार्षदों के नेतृत्व में कार्यकारिणी समिति के सदस्य शहाब अंसारी, उजैर अहमद, संजय यादव और सभी कुमार ने बैठक को बहिष्कार किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए गेस्ट हाउस के फर्श पर बैठ गए। महापौर और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि वो प्रदर्शन बंद करें और बैठक में शामिल हों, लेकिन कार्यकारिणी सदस्य बैठक निरस्त करने की मांग करते रहे। सदस्यों ने काफी देर तक हंगामा किया। इसी बीच एजेंडे के अनुसार बैठक प्रारंभ किया गया। एजेंडे के प्रथम बिंदु में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की पांचवी एवं छठवीं बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गई। तत्पश्चात कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव हुआ, जिसमें 7 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समिति के उपसभापति बृजेश सिंह छोटू को चुना गया, जिसके प्रस्तावक राधेश्याम रावत ने बृजेश सिंह छोटू को उपसभापति के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर भाजपा के सभी 6 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सहमति व्यक्त की गई। 9 निर्वाचित उपसभापति का महापौर और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। महापौर की अनुमति से रामबुहाल कुशवाहा एवं सदस्यों के अनुरोध पर निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या 30 महिवा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पास नगर निगम की भूमि पर अवस्थापना विकास निधि की दुकानें शीघ्र बनाया जाए। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य रामबुहाल कुशवाहा, अजय राय, राजेश तिवारी, राधेश्याम रावत, चंद्रशेखर सिंह, संजय श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, अजय शुक्ला, अम्बरीश बहादुर पाल सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के कार्यकारिणी सदस्य शहाब अंसारी, नव निर्वाचित उप सभापति बृजेश सिंह छोटू और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, कानूनी बैठक समाप्त करो, कानूनी बैठक समाप्त करो, महापौर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानूनी बैठक समाप्त करो, विरोध दर्ज कराइए, इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं हम लोग। देखिए संजय जायसवाल जिंदाबाद बोल दिए, आप विरोध दर्ज करा दीजिए, विरोध दर्ज किया था 12 घंटा पहले ने अपनी एप्लीकेशन दिया, मैं तो गलती गया सूचना हमको नहीं भी सूचना कर रहा था, आप जो सूचना आपके मत है क्या बोलते हैं कि आप क्या के मुझे दे दे रहे कर आपके फाइल में लगी है, ये भी बात आपने गलत कर दिया माननीय मेयर साहब, अच्छा हमने सब गलत कर दिया, बोर्ड की बैठक तो माननीय महापौर जी के अनुमति से बैठक की कार्रवाई शुरू की जाती है। चूंकि माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार ये स्थगित बैठक थी और स्थगित अधिवेशन को उसके निरंतरता में आज जारी किया जा रहा है, लिहाजा धारा 91 में यथावाणी 72 घंटे और 96 घंटे की सूचना नहीं होता, ये स्थगित अधिवेशन के पार्षदों को चलिए
कल कार्यकारिणी का छह सदस्यों का माननीय छह सदस्यों का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में सभी पार्षद मौजूद थे, इसलिए सही ये सूचना सभी को है। सभापति का चयन करेगी, इसकी कार्रवाई कितना दबन में तैर रहे देख लिया है, देखेंगे अखिलेश यादव जिंदाबाद। रुके रहिएगा, बना भाई सब जिंदा बनाए प्लेट में आप ही रहते हैं। नहीं रुके रुके राजा भाई देखा करीब बढ़िया है। अरे ठीक है और एक एक सड़क बीजेपी के पार्षदों को स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी का साथ ही मेरे पार्षद साथी का राम भुआ जी के वार्ड में शुरू होने वाली है दुकान वहाँ बनने वाली है, तो उस दुकानों पर मैं चाहूँगा महापौर जी और नगर आयुक्त महोदय आप लोग का एक संयुक्त बयान पेपर में चला जाए या कोई एक सूचना पेपर में चला जाए, वहाँ दुकान बनने के नाम पर 70,000-80,000 रुपया नगर निगम के द्वारा वसूली किया जा रहा है। प्रस्तावित दुकान है, अभी उस पर बजट नहीं है, बन जाना चाहिए। सबसे पहले तो उस जमीन को जो है कवर करवा लीजिए, कवर कराने के बाद जो भी योजना उसको तत्काल और मेन रोड की दुकान है उस पर 70,000-80,000 रुपया उसी कड़ी में इस बार छुट्टी ले गए हैं, आगे के बाद उपस्थित नहीं होगा तो कार्रवाई उसी कड़ी में ये कहना है दुकान नगर निगम में दर्ज हो जाए और हम दुकानदार को दुकानों किराया देने को तैयार है, इसको पूरा ना जाए जिससे नगर निगम को एक आर्थिक लाभ भी होगा और उनको नगर निगम किराएदार बना लिया जाए। आज से 20 साल पहले बनी है और असली आवंटी की जगह पर दूसरे लोग उस पर अगर व्यापार करते हैं, हाँ मत लिखिए दूसरे लोग करते हैं, अगर पहले आवंटी उसको रिकमेंड करते हैं जिसको देने के लिए उसको दिया जाए किराया डेढ़ा कर दिया। पहली बात कि जो आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है चुनाव से संबंधित, वो संविधान के खिलाफ है, नगर निगम एक्ट के खिलाफ है। धारा 91 में साफ दिया गया है कि 72 घंटा पहले सबको सूचना जानी चाहिए। आज सूचना का भी ये है कि रजिस्ट्री के द्वारा या नगर आयुक्त के किसी व्यक्ति को भेज करके वहाँ सिग्नेचर करा करके तब सूचना होती है, ये दोनों चीज़ें नहीं हुई और हमारे किसी भी कार्यकारी सदस्यों को जानकारी नहीं है। इस असंवैधानिक बैठक की हम जो है इसके वो करते हैं, मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हम कमिश्नर्स साहब से मिलेंगे, नहीं होगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे ताकि इस मीटिंग को असंवैधानिक मीटिंग को निरस्त किया जाए। धारा 91 में जिसका उल्लेख साफ साफ है कि आप सभी सदस्यों को 72 घंटे पहले सूचना दीजिए, उसके बाद जो है मीटिंग कराई जाए, लेकिन किसी को सूचना नहीं गई है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं सारे कार्यकारी मेंबर समाजवादी पार्टी के लोग, उप समिति का पालन किया जाए। सदन की बैठक भी होगी उसमें शामिल होंगे आप लोग? बोर्ड की बैठक की सूचना हम लोग को है उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये कार्यकारी की असंवैधानिक बैठक है इसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे। आप पुरजोर विरोध किया है समाजवादी पार्टी के सारे सदस्यों ने और निश्चित तौर पे हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ और इसके आगे कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। नई जिम्मेदारी में लिया क्या प्राथमिकता रही? शहर का विकास पहली प्राथमिकता, सफाई
और जो भी जमीनें नगर निगम के अतिक्रमण है उसको खाली कराना। और बजट जो आज हम लोगों ने पास किया है शहर के विकास के लिए किया है। आज कार्यकारिणी समिति के बैठक में उपसभापति के चुनाव था। इस चुनाव में कुल 11 लोग थे जिसमें 4 लोगों ने सदन का बहिष्कार किया 7 के प्रचंड बहुमत से। विजय सिंह छोटू को हम लोगों ने उपसभापति बनाया है और सभी हमारे पार्षदों का सहयोग इसमें रहा है और मैं इसके लिए मैं छोटू सिंह को मैंने बधाई दिया है। और आगे हमारी बोर्ड की बैठक 3 बजे से शुरू होने वाली है जिसमें हम बजट को प्रस्तावित बजट को पास करेंगे।